Hey cuties, welcome back to my channel. Let's continue Dream Jail series episode 11 spoiler. तो गावन और किमन के बीच जो भी हो रही थी वो वन की एक ड्रीम थी. वो जल्दी से आकर सो जाती है. वो काफ़ी एम्बेरसिंग थी. वो सोच नहीं पा रही थी कि कैसे बिहेव करे, कॉज एक एक सेकेंड की एक एक मोमेंट उसे याद है. वो जब शावर रूम में आकर अपने बेडरूम में सो गई थी तो किम वहाँ पर नहीं थी. कुछ टाइम बाद किम डोर ओपन करके अंदर आती है. वन जल्दी से सोने की प्रिटेंड करती है. किम एक ब्यूटीफुल नाइट ड्रेस पहनी थी. वो आकर सोफे पर बैठती है और टीवी को ऑन करती है. चैनल को चेंज करते हुए वो वन को बुलाती है. वन कहती है, सडनली तुम मुझे बुला क्यों रहे हो, मैं तो सो रही हूँ ना. वहाँ से किम कहती है, डोंट प्रिटेंड कि तुम सो रहे हो, मुझे पता है कि तुम जाग के बैठे हो. यह सुनते ही वन जल्दी से अपनी आंखें खोलती है और किम की ओर देखती है. किम उसकी ओर देख रही थी. उसके फेस पर एक अजीब सी स्माइल थी. बी ऑनेस्ट, वो बहुत शाई है और वन जब भी उसकी शाई फेस को देखती है वो भी बहुत शाई फील करती है. किम कहती है, ये सब छोड़ो, हम बहुत टाइम से साथ हैं, चलो कुछ बात करते हैं. किम आकर बेड पर बैठ जाती है. वन अपने ब्लैंकेट को टाइटली होल्ड करती है, कॉज इस टाइम पे उसने अंदर कोई क्लॉथ नहीं पहनी थी. किम कहती है, आई एम सॉरी, दिस इज़ हाउ फर्स्ट टाइम, पर मैं कुछ नहीं कर सकती, बट आगे से मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ मैं ओपन रहूँगी. वन के लिए ये उतना मुश्किल नहीं है. उसकी एक्टिंग में ऐसी बहुत सारी रात उसने प्ले की थी और अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ नाइट स्पेंड करना ये नॉर्मल है. किम कहती है, ओके, सो आगे से मैं अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल रखूँगी, हमारे बीच अब सब कुछ क्लियर है राइट. वन सोचती है, अगर वो नो कहेगी तो ये एम्बेरसिंग हो जाएगी. किम कहती है, अगर वो लेटर मैं पहले ही लिख देती तो हमारे बीच ये सब कुछ इतनी मुश्किल नहीं होती. वन कहती है, नहीं, ये तुम्हारी गलती नहीं है, मैंने उस लेटर को रीड नहीं की थी, इट्स माय फॉल्ट. और वो बस तुम नहीं जो मेरे बारे में फील करते थे, मैं भी तुम्हारे बारे में फील करती थी, पर मैंने कभी मेरी लव को कन्फेस नहीं कर पाई. किम कहती है, कॉज हम दोनों ही डर रहे थे कहीं हमारी फ्रेंडशिप टूट ना जाए. वन कहती है, वैसे क्या अब तुम जानते हो कि अब हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गई है और मैंने तुम्हारी वेडिंग नाइट चुरा लिया है. वन उसके फेस पर हाथ रखती है. किम स्माइल करती है. रूम फुल ऑफ लव में भर चुके थे. नाउ हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है रियल लाइफ को फेस करने के लिए. वन कहती है, हे कंप्लेन मत करो, मैं बस तुम्हें चाहती हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ. किम स्माइल करती है और उसे हग कर लेती है. नाउ हम दोनों एक साथ हैं एंड हम दोनों वो सब कुछ करेंगे जब तक एक दिन हम बोर ना हो जाए. क्या बोर? वन रिएक्ट करती है, बिल्कुल भी नहीं, हम कभी बोर नहीं होंगे, हम कभी बोर नहीं होंगे एंड वी कैन डू इट मोर फ्रिक्वेंटली. किम कहती है, वेट, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? वन के फेस पर स्माइल देखकर किम रियलाइज़ करती है और वो अपने फेस पर हाथ रखे बट चिल्लाती है. वन भी स्माइल करती है, उसकी फेस एकदम ब्लश कर रही थी. किम उसे पीछे पुश करती है. किम कहती है, हे व्हाट आर यू सेइंग? वन उसे किस करती है. आई एम जस्ट किसिंग यू, डोंट यू लाइक इट? किम कहती है, तुम कुछ ज़्यादा ही ऑब्सेस्ड हो रहे हो मेरे ऊपर. किम ब्लश करती है और वन चाहती थी कि वो उसे ब्लश करवाए और पूरी रात उसे एम्बैरेसिंग में डाल दे. वन कहती है, मुझे तुम्हारी ये फेस पसंद है, तुम्हारी ये फेस जब रेड हो जाती है मुझे और भी अच्छा लगता है. किम उसे पिंच करती है. वो दोनों पूरी रात फन कर रहे थे. नेक्स्ट सीन मॉर्निंग में दिखा जाती है. वो दोनों अफ्टरनून को यहाँ से चली जाएगी पर
अभी बस मॉर्निंग की 9 AM हो रही है, तो उन दोनों के पास अभी बहुत टाइम है। लव वॉज वेरी गुड और वो दोनों एक हैप्पी मोमेंट को स्पेंड कर रहे थे। बट ऑल्सो उन दोनों को ही पता है कि आगे जाकर उन्हें सफ़र करनी होगी। अभी के लिए उन दोनों को बैंकॉक वापस लौटनी पड़ेगी। वन जब अपनी फ़ोन चेक करती है तो वो थोड़ी सरप्राइज हो जाती है। 200 नोटिफिकेशन थी, 80 मिस्ड कॉल उसकी मॉम की थी, 20 मिस्ड कॉल उसकी फ्रेंड्स की थी और बाकी 100 की जो नोटिफिकेशन वो मैसेंजर पे थी। वन बात करने के लिए फर्स्ट माली को चूज़ करती है। माली वहाँ से कहती है, तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? वन, तुम्हें मुझे वापस कॉल करनी चाहिए थी। वन कहती है, हम दोनों बहुत जल्दी वापस आ रहे हैं, तुमने मुझे इतने सारे कॉल क्यों की? मैं उस टाइम पे बिजी थी। सो फॉर एवन, तुमने मुझे इतनी बार कॉल क्यों की? माली वहाँ से कहती है, कॉज मैं जानना चाहती थी कि तुम दोनों कहाँ हो, तुमने हमें कोई अपडेट नहीं दी थी, इसलिए हम बस वरीड थे तुम्हारे लिए। ओके क्यूटीज, अब बाकी के सीन हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। बाय।